तेरा ये कहना है कि जो लोग खौफ की वजह से एक पर्टिकुलर पार्टी को चूज करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ आगे के प्रोस्पेक्ट्स, वो पार्टी आगे क्या प्रॉमिस कर रही है, बस सिर्फ एक प्रोटेक्शन की बात होती है, तो कहना तो ये है कि मूसा अलैहि सलाम फिरौन के घर में रहकर प्रोटेक्टेड थे, प्रोटेक्शन अल्लाह के हाथ में है। ये बात को समझना, जब तक कम्युनिटी बात नहीं समझेगी ना, तब तक सही डिसीजंस नहीं ले पाएगी। तो प्रोटेक्शन अल्लाह के हाथ में, हमने देखा है कि वो जिन्हें सेफ समझा गया, ऐसे टाइम्स में बहुत सारे राइट्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, और ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें अनसेफ समझा गया, उनकी हुकूमत के टाइम पर सेफ भी रह गए। समझने की बात क्या है कि अल्लाह के हाथ में है। नंबर वन, ये बात दिमाग में जब तक नहीं बैठेगी तब तक सही डिसीजंस नहीं हो सकते हैं। 5 साल बाद इलेक्शन के टाइम पे सब ये बातें आती है, वोट बैंक पॉलिटिक्स वगैरह, ये एक 5वें साल का डिसीजन नहीं है, ये 5 साल की बातें हैं। 5 साल में जब तक ये नहीं हो, जब तक उसके सही स्टेप्स ना हो, तब तक हम सचमुच वोट बैंक पॉलिटिक्स में मैनिपुलेशन के शिकार होने से बच नहीं सकते। एक शख्स जिसके पास अल्लाह ने ईमान दिया है, और ईमान से एक स्ट्रेंथ आती है कि ऊपर वाला मेरी मदद कर रहा है, उस चीज की वजह से वो एक गिवर बनता है, ना कि ये कि भाई हमें मत एक्सप्लॉइट करो। भाई यू बिकम अ गिवर इन कम्युनिटी, अगर आप जाके कम्युनिटी को सर्व करोगे तो आज के जमाने के अंदर जिस तरह का हम देखते हैं कि पॉलिटिशियंस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिस तरह के स्विस बैंक अकाउंट्स भरे पड़े हैं, जिस तरह का करप्शन है, उसके अंदर सिंसियर सर्विंग लोगों की बहुत बड़ी जरूरत है। और अगर इस कम्युनिटी में ये एक एहसास और जाग गया कि हम सर्व करने वाले बने, हम देने वाले बने, हम बचाने वाले बने, तो ऐसे कितने सारे सेगमेंट्स हैं जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, दूसरे सेगमेंट्स भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हम उन्हें कंबाइन कर सकते हैं। अगर हम देखें वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर, कुछ नहीं तो दूसरे एक्सप्लॉइटेड सेगमेंट्स को अपने साथ जोड़कर एक जॉइंटली किस तरह से सारों के हुकूक की हिफाजत कैसे हो सकती है, ऐसी थिंकिंग लाना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो वोटिंग में होती है, वोटिंग टाइम पर 5वें साल में, सिर्फ एक चीज पे होती है कि कौन मेरी हिफाजत कर सकता है, जबकि हिफाजत करने वाला अल्लाह है। और इसमें हमें आगे के डेवलपमेंट को सोचना चाहिए। चलो फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं होगा, फर्स्ट ईयर में हो सकता है कि कोई बहुत नॉमिनल ज्यादा चेंज आएगा, लेकिन इतने सालों के पॉलिटिक्स के अंदर हम देखते हैं कुछ तो डिफरेंस आ गए होते हैं। आज हम इतने सालों बाद ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हम आज एक एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी है, क्यों है? क्योंकि एक डरी हुई कम्युनिटी इसी तरह से बिहेव करती है। तो हमें देखना है कि एक गिविंग कम्युनिटी बनना है, एक सपोर्टिंग यानी देने वाली कम्युनिटी बनना है, और जहां जहां लोगों ने किया वहां वहां बेनिफिट्स मिले भी।